Welcome back again. Thank you so much. I am so happy कि मेरी इन videos को जो मैं ये concepts आप लोगों से discuss करो इसका इतना overwhelming response मिल रहा है. I'm really motivated. मेरा purpose यही है कि बच्चों को अपनी knowledge से ज़्यादा informations को gather करवाना, अच्छे-अच्छे से बच्चों से discussion करना. And मैं बिल्कुल भी मैं इमीडिएटली टॉपिक पे जाना पसंद करूंगा. आई डोंट वांट टू से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा वगैरह. आप ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है, शायद इसी वजह से मैं भी हो ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ. आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत अच्छा, बहुत ट्रिकी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज, कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट बजट का एक स्पेशल क्वेश्चन है. सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आ चुका है. इसकी डीप क्लैरिटी की डिस्कशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ. कैसी लगती है आपको क्लैरिटी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं सारा प्रोसेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट हैविंग एनी रेवेन्यू डेफिसिट. क्या रेवेन्यू डेफिसिट के बगैर भी फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल है? द आंसर इज यस, देयर कैन बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट. और इसकी दो सिचुएशंस हैं. फर्स्ट सिचुएशन है अगर रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है. रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड होने का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स के इक्वल है. ऑब्वियसली बात है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट्स के इक्वल है यानी देयर इज नो रेवेन्यू डेफिसिट. बट ये होने के साथ साथ अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट से ज्यादा हो जाएगा तो देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट. यानी कि रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है बट फिस्कल डेफिसिट होगा. आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल से. यू नो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. टोटल एक्सपेंडिचर में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल रिसीट्स में आता है रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. मान लीजिएगा, इन फैक्ट मान के लीजिएगा, देखना दें रेवेन्यू बजट बैलेंस्ड है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी 10,000 है, रेवेन्यू रिसीट्स भी 10,000 है. ग्रीन में हाईलाइट करें हमने. बट आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 15,000 है जबकि कैपिटल रिसीट्स कितनी है 8,000 है. तो क्योंकि खर्चा कैपिटल फॉर्म में ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू में कोई सरप्लस नहीं है तो देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट. यह पहली सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन कहती है अगर रेवेन्यू बजट में सरप्लस है. रेवेन्यू बजट में सरप्लस होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेवेन्यू रिसीट्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सरप्लस है, डेफिसिट नहीं है, सरप्लस है. तो मेजर समझने वाली बात क्या है? जो रेवेन्यू सरप्लस है ना, इट इज लेस देन डेफिसिट इन कैपिटल बजट. तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि रेवेन्यू बजट में सरप्लस है बट वो कैपिटल बजट के डेफिसिट से कम है तो देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट. क्या मतलब हुआ इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा. अगेन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है, अगेन मैंने आपको बताया दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. टोटल रिसीट्स इज रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. नाउ लुक एट द थिंग्स इन येलो. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 है और जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो 12,000 है. तो रिसीट्स एक्सपेंडिचर से बड़ी है जो कि हमें दिखा रहा है रेवेन्यू बजट में सरप्लस है. कितने का? 2000 का. बट कैपिटल एक्सपेंडिचर 15,000 का है और कैपिटल रिसीट्स 8,000 की है. प्रॉब्लम क्या है? जो कैपिटल बजट में डेफिसिट आ रहा है ना 7,000 का,
ये इतना ज्यादा है कि इसने ओवर पावर कर दिया रेवेन्यू सरप्लस को, इसलिए फिस्कल डेफिसिट कितने का आ गया, 5,000 का। यानी कि कभी भी रेवेन्यू में जो सरप्लस है वो कम है और वो कैपिटल डेफिसिट से छोटा पड़ जाता है, देयर विल बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट एनी रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप दिस कंसेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत अच्छा कंसेप्ट था ये वाला। आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो सेक्शन भी बहुत पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा सा टेक्निकली इशू था मेरी फोटो के अंदर पे, बट आई एम श्योर यू विल एडजस्ट, क्योंकि कंसेप्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा ताकि मैं अपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकूं। और भूलिएगा नहीं मेरा एक प्रोसेस, बिकॉज इवन दो आज आज की लेटेस्ट न्यूज थी कि हमारे बोर्ड के पेपर कैंसिल हो गए हैं, स्टिल यू आर नॉट सपोज टू लीव योर पॉजिटिविटी, लीविंग योर फोकस। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप ऑन फोकसिंग और अच्छे से खुश रहना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और आई एम द बेस्ट, कीप ऑन स्पीकिंग, आई एम द बेस्ट।